नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्या करने वाले हैं पता है आपको? देखते हैं बोर्ड पे क्या लिखा है। मुखौटे। मुखौटे क्या होते हैं बच्चों पता है आपको? जैसे कि हमें किसी का रोल प्ले करना है, किसी बिल्ली का या फिर किसी बकरी का या कुत्ते का, तो हम बिल्कुल उनकी तरह तो नहीं बन सकते ना, क्योंकि हम तो जैसे हैं वैसे रहेंगे। तो हम उनकी तरह दिखने के लिए क्या कर सकते हैं? हम उनके मुखौटे पहन सकते हैं ताकि हम ऐसा लगे कि हम उनकी तरह ही एक्टिंग कर रहे हैं। जैसे कि जो हमारी किताब है उसमें बंदरबाट पाठ के पीछे एक मुखौटा दिया हुआ है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये मुखौटा देखा है ना सभी ने, ये बिल्ली का मुखौटा है। और अगर हम ऐसा मुखौटा बना के उसको पहन लेते हैं तो हम आराम से बिल्ली की एक्टिंग कर सकते हैं, और जो सामने से देखेगा उसको भी पता चल जाएगा कि हम किसकी एक्टिंग कर रहे हैं, बिल्ली की एक्टिंग कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप सभी इस मुखौटे को ध्यान से देखिए। आज हम ऐसे ही मुखौटे बनाना सीखेंगे, ठीक है? इसके लिए मैंने एक पेपर लिया है, ब्लैंक पेपर लिया है। आप किसी भी कलर का पेपर ले सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। अब इसके ऊपर हम पहले ड्राइंग बनाएंगे जैसे कि हमारी किताब में बनी हुई है। हम इस ब्लैंक पेपर पे ऐसा ही मुखौटे का चित्र बनाएंगे, फिर उसके बाद इसको कट करेंगे। बनाना शुरू करें, ठीक है? मैं जैसा आपकी किताब में दिया हुआ ना, मैं बिल्कुल वैसा ही बना रही हूँ, ठीक है बच्चों? बन गया क्या? पहले एक काम करते हैं, इसकी जो आंखें दिख रही हैं ना, इनको हम कटिंग कर लेते हैं। तभी तो हम जब फेस पे पहनेंगे तो हमें दिखाई देगा ना कि सामने कौन है, वरना तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि सामने कौन खड़ा हुआ है। चलो कैंची से कटिंग करना शुरू करते हैं। ये मैंने इसको कट कर लिया है। बच्चों आप ना किसी की हेल्प भी ले सकते हो, ठीक है? क्योंकि क्या होता है, अभी आप छोटे हो तो कई बारी पेपर ज़्यादा या कम भी कट जाएगा ना, तो आराम से करना आप इसे। अब ना जो इसकी आंखें हैं मैं यहाँ पे होल करती हूँ, ठीक है बच्चों? बच्चों मैंने इसकी आंखें भी कट कर ली हैं, देखो इसकी आंखें दिख रहा है बेटा आपको ये कट इसका? हाँ। और एक बहुत ज़रूरी बात, मैंने इसको चॉक से बनाया है क्योंकि ये ब्लैक पेपर है। इसलिए आप लोग जब किसी कलर्ड शीट का यूज़ करोगे ना तो आप मार्कर का यूज़ करोगे, ठीक है बच्चों? अब ना इसमें जो और भी चीज़ें हैं ना, हम उसको भी बनाते हैं, ठीक है? जैसे कि इस जो किताब में है उसमें बिल्ली के माथे पे ये धारियां बना रखी हैं ऐसी। और क्या है? और तो बताओ बच्चों, लग रहा ना ये बिल्ली वाला मास्क या नहीं लग रहा है आपको? चलिए देखते हैं कि किताब में कैसा है। ये रंगीन है और हमने ये ब्लैक पेपर पे बनाया है। अगर आपको किसी बिल्ली का रोल प्ले करना है तो आप ऐसा मास्क बनाओगे, ठीक है?
आपको ये करना भी है ना। और जैसे ये तो बिल्ली का है, आप क्या कर सकते हो बेटा, इसमें धागा बांध के आप इसको ऐसे पहन सकते हो। हेलो, मैं बिल्ली हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसे आप कोई भी रोल प्ले कर सकते हो ना। कैसा लग रहा है मास्क? अच्छा है, ये बिल्ली का है। मैंने एक और मुखौटा बनाया है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। मैंने एक ये मास्क बनाया है। ये किसका मास्क लग रहा है बच्चों? डॉगी का लग रहा है ना, कुत्ते का मास्क। अगर आपको किसी डॉगी का रोल प्ले करना है तो आप ऐसा मास्क बनाओगे। आप ना किसी भी एनिमल या किसी भी बर्ड का आप मास्क बना सकते हो जिसकी आपको एक्टिंग करनी है। ठीक है बच्चों, मैंने ये दो मास्क बनाए हैं, एक बिल्ली का और एक कुत्ते का। ये दोनों आपस में बातें करेंगे, ऐसे दो बच्चे, जैसे कि दो बच्चों को खेलना है आपस में। एक ने बिल्ली का मास्क बनाया, एक ने कुत्ते का मास्क बनाया। अब दोनों मास्क पहनेंगे और आपस में रोल प्ले करेंगे। कुत्ता बोलेगा, तुम मेरे सामने क्यों आ गई, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता क्या? बिल्ली क्या बोलेगी, मैं किसी से डरती हूँ क्या? मैं तो किसी से भी नहीं डरती हूँ। ऐसे आप कोई सा भी खेल खेल सकते हो। बस आपको करना क्या है, आपको जो रोल प्ले करना है आपको उसका मास्क बनाना है और अपने दोस्तों के साथ या अपने परिवार वालों के साथ आपको ये खेल खेलना है। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय एंड थैंक यू।